Okay, so tell me, we were doing the changes in which the entropy of the system will increase or decrease, right? So now the next is for the decomposition of sodium bicarbonate, it is Na2CO3, carbon dioxide, and water. Will the entropy of the system increase or decrease? Will the entropy of the system increase or decrease? Yes, you can give your answers in the chat box, beta. Will the entropy of the system increase or decrease? So the entropy of the system will increase. Why? Because due to the decomposition of sodium bicarbonate, two of the products, they are in the gaseous state. And we know in the gaseous state, the entropy of the system is more as compared to the solid state. Okay? So by this, the entropy of the system will increase. Right? So we can also use the entropy phenomena for the phase transformations. तो अभी जैसे मैंने आपको बताया है सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस के लिए भी हम एंट्रोपी जो है वो बताते हैं. ओके, द एंट्रोपी चेंजेस, द एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन, एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन किसके इक्वल होगी बेटा? व्हाट इज द फ्यूजन प्रोसेस? मेल्टिंग ऑफ अ सॉलिड इनटू लिक्विड. अब हमें पता है कि जो लिक्विड है उसकी एंट्रोपी ज्यादा है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते हैं हम. ओके, so that is entropy of liquid minus entropy of solid, delta S. Okay, similarly, entropy of vaporization. एंट्रॉपी ऑफ वेपराइजेशन किसके इक्वल होगी? वेपराइजेशन मीन्स कि हम वाटर को किसमें कर रहे हैं, कन्वर्ट वेपर्स में. सो हेयर वी विल बी टेकिंग द गैशियस स्टेट. ओके, और उसमें से जो एंट्रॉपी है लिक्विड की उसको माइनस करते हैं. एंड सेम वे वी कैन बी राइटिंग द एंट्रॉपी ऑफ सब्लिमेशन. सो एंट्रॉपी ऑफ सब्लिमेशन, सब्लिमेशन में क्या होता है बेटा? व्हाट इज द सब्लिमेशन प्रोसेस? यस, व्हाट इज सब्लिमेशन प्रोसेस? सॉलिड टू सॉलिड से, गैस हाँ, सॉलिड से आप डायरेक्टली गैसियस में गैस जाते हो या वेपर्स में जाते हो. ओके, सो एंट्रोपी ऑफ वेपर माइनस एंट्रोपी ऑफ सॉलिड. ओके, सो दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंट्रोपी चेंजेस. नाउ राइट डाउन वन न्यूमेरिकल फॉर द एंट्रोपी चेंज. राइट डाउन वन न्यूमेरिकल फॉर द एंट्रोपी चेंज. डू रिमेम्बर वन थिंग बेटा, जो आप एंट्रोपीज यहाँ पे लिखते हो इसके यूनिट्स हमेशा जो है वो जाउल पर केल्विन पर मोल होंगे. इफ द एंट्रोपी इज गिवन टू यू इन द किलो जाउल्स, यू विल बी कन्वर्टिंग इट इनटू जाउल्स. ओके, दिस थिंग यू हैव टू नोट डाउन. इफ यू आर गिवन द एंट्रोपी इन किलो जाउल्स, फर्स्टली यू विल बी कन्वर्टिंग इट इनटू जाउल्स बिकॉज दीज आर द स्टैंडर्ड यूनिट्स फॉर द एंट्रोपी, जाउल पर केल्विन पर मोल. नाउ राइट डाउन वन न्यूमेरिकल, राइट डाउन वन न्यूमेरिकल. यू हैव टू कैलकुलेट द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम. For 1 mole of alpha tin at 1 atmosphere and 13 degree Celsius changes to 1 mole of beta tin at 1 atmosphere and 13 degree Celsius. The entropy of transformation for this of tin is 2090 joule per mole. चलिए बेटा, एंट्रोपी का फॉर्मूला लगाओ. डेल्टा एच आपको दिया गया है, डिवाइडेड बाय टी, एंड योर टी इट शुड बी इन केल्विन्स, डिग्री सेल्सियस में गिवन है, उसको केल्विन्स में कन्वर्ट कर लो. तो फॉर्मूला हमने कल किया है वैसे एंट्रोपी का,
delta S is equal to delta T by delta H by T. So this formula you will be applying to solve this numerical. लगाइए बेटा और आंसर बताओ. Meanwhile, I'll be writing the another numerical for you. हाँ जी बेटा आंसर आया. सॉरी, हैव यू फाइंड द आंसर. डेल्टा एच को डिवाइड कर लो 13 + 273 के साथ, दैट विल बी 286. तो 2090 डिवाइडेड बाय 286. What is the answer, beta? So that is 7.31 joule per Kelvin per mole. Next solve karo ab. Solve for the next one. ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करो. अगेन रिएक्शन दी गई है आपको जिसमें लिक्विड जो है वो वाटर में चेंज हो रहा है. ओके सॉरी, स्टीम में चेंज हो रहा है, नॉट वाटर. लिक्विड वाटर टू स्टीम. उसके लिए आपको डेल्टा एच वेपराइजेशन दी गई है, टेम्परेचर भी गिवन है, आपने एंट्रोपी निकालनी है. कन्वर्ट फर्स्टली डेल्टा एच फ्रॉम किलो जाउल्स टू जाउल्स. Convert delta H vaporization from kilojoules to joules and then divide it by 373 and give me the answer. Let me write down the next numerical. So that is 109.3. Very good. Iska answer hai 109.3. Delta H vaporization for water is given to you, that is 40.73 kilojoules per mole. And delta vaporization for the enthalpy change is given to you, that is 109 joule per mole per Kelvin. You have to calculate the temperature. Apni temperature nikalna hai at which the liquid water is in equilibrium with the water vapors. So easy hai, entropy bhi di hai aapko, enthalpy bhi di hui hai, temperature nikalna hai aapne. This is for your homework. Okay, solve it and give me the answer. Now coming to the next is, ये आपने घर से solve कर लेना है. This is for your homework. We will be discussing this on Saturday, right? Now coming to the next is the second law of thermodynamics. The second law of thermodynamics. Now this law, it mainly aims at the entropy.
जैसे आपका फर्स्ट लॉ जो था वो एनर्जी पे बेस्ड था कि जितनी भी एनर्जी है यूनिवर्स की वो कंजर्व्ड है, ये लॉ जो है सेकंड लॉ इट इज बेस्ड ऑन द एंट्रोपी एंड ऑल द स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। ओके, अब वो कह रहे हैं कि जितनी भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस हो रही हैं आपकी, जितनी भी रिएक्शंस अपने आप हो रही हैं, दे आर ऑलवेज इरिवर्सिबल। जितनी भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस दैट आर गोइंग ऑन इन दी सराउंडिंग्स, ओके, दीज ऑल रिएक्शंस आर इरिवर्सिबल। जो सीज का पानी है दैट इज गेटिंग इवेपोरेटेड बाय द हीट ऑफ द सन, ओके, वी कांट कंट्रोल दिस प्रोसेस बिकॉज दैट इज स्पॉन्टेनियस, तो हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं। ओके, इज दिस क्लियर? अगर आपने उसको रिवर्स करना है यू शुड नीड सम एक्सटर्नल एजेंट। If you want to undo that effect, you should need some external agency. You should need an external agent in order to reverse that spontaneous process. Okay? Now the third is ki agar aapka koi bhi isolated system hai, if you are having any isolated system, to us system ki jo entropy hogi, wo hamesha zero se zyada hogi. आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो आपका सिस्टम जो है वो सराउंडिंग्स के साथ कॉन्टैक्ट में नहीं है, तो जो उस सिस्टम की एंट्रोपी है वो हमेशा पॉजिटिव आएगी। द एंट्रोपी ऑफ दैट सिस्टम विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन जीरो। और अगर आपका कोई नॉन आइसोलेटेड सिस्टम है तो उसमें आपने एंट्रोपी लेनी है सिस्टम की और एंट्रोपी लेनी है सराउंडिंग्स की, they both will be greater than zero or you can say they both will be positive in nature, the entropy of system and surroundings. Okay, or the another form of this law can be, or kya form banti hai ki pure universe ki jo entropy hai वो कंजर्व है। तो अगर आप एस टोटल देखो पूरे यूनिवर्स का, तो उसमें जितना भी सिस्टम आ रहे हैं, जितनी भी सराउंडिंग्स आ रही हैं, उन सब की जो एंट्रोपी है वो क्या है, पॉजिटिव है। द एंट्रोपी ऑफ दिस होल यूनिवर्स इज पॉजिटिव, दैट मीन्स देयर इज टेंडेंसी ऑफ ईच एंड एवरी सिस्टम टू शो इट्स रैंडमनेस, टू शो इट्स डिसऑर्डरनेस, okay, and to make the reaction spontaneous. So this is actually the second law of thermodynamics that relates the spontaneity of the reactions with the entropy changes. Clear? Right? Is this clear, beta? So when the conditions of the pressure, they were kept constant, right, in order to study the effect of the constant pressure and constant temperature on the system, we introduced a term enthalpy. In the similar way, when we want to find the direction of spontaneity, ki hamari jo reaction hai wo kis taraf spontaneous hai, the direction of spontaneity process, we will introduce some another thermodynamic quantity and that is called as J. ठीक है, तो कोई process जो है वो किस तरफ spontaneous है, किस direction में spontaneous है, उसके लिए हमने एक नई term introduce की है, that is Gibbs free energy. G is Gibbs free energy. या आप इसको फ्री एनर्जी चेंज भी कह सकते हो, वेयर जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस। जी इज गिब्स एनर्जी, एच इज एंथैल्पी, टी इज टेम्परेचर, एस इज एंट्रोपी। जी गिब्स फ्री एनर्जी, एच एंथैल्पी, टी टेम्परेचर एंड एस इज एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। ओके, एंड इफ वी वांट टू फाइंड द चेंज, तो चेंज हो जाएगा डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस।
Again, we are assuming that we are doing the work on an isothermal system. That means the conditions of temperature are kept constant. ठीक है जी, तो हमने यहाँ पे टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रखा हुआ है एंड द अदर चेंजेस वी आर सीइंग हियर. नाउ दिस इक्वेशन डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, दिस इज गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन. जो कैसे डिराइव की गई होगी, सपोज देयर इज अ सिस्टम, ओके वी आर अज्यूमिंग वी आर हैविंग अ सिस्टम जिसकी इनिशियल स्टेट क्या है, इन फ्री एनर्जी का चेंज है, फ्री एनर्जी इज जी वन, एंथैल्पी इज एच वन. सिंस द टेम्परेचर इज केप्ट कॉन्स्टेंट, ओके तो एंट्रोपी चेंज आएगा एस वन. सिमिलरली व्हेन सम वर्क इज डन ऑन दिस सिस्टम, ओके दिस सिस्टम इट चेंजेस टू सम अनदर फॉर्म वेयर दैट फॉर्म इज हैविंग द गिव्स फ्री एनर्जी जी टू, एंथैल्पी एच टू एंड एंट्रोपी एस टू. So when I'm going to subtract them, ठीक है, जी टू माइनस जी वन करेंगे तो दैट विल बी एच टू माइनस एच वन माइनस टी बाहर एस टू माइनस एस वन. सो दिस इज डेल्टा जी, दिस इज डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. ओके सो दिस इज हाउ दिस इक्वेशन इज बीइंग डिराइव एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन. And that is Gibbs-Helmholtz equation. Very, very important. Okay. Now, how we will be using this reaction in order to show the direction or spontaneity of the reaction? हम किसी भी reaction की spontaneity कैसे predict कर सकते हैं कि कोई reaction feasible है, अपने आप होगी कि नहीं होगी? Now we will be using this G factor. Okay. So according to the second law of thermodynamics, we know the entropy of the universe is the entropy of system plus entropy of surroundings. That will always be positive. ये हमें पता है कि जो total entropy आती है किसी भी system की, वो system और surroundings दोनों को मिला के आती है. Okay. Now what I am assuming that I am going to do some work on the system. ओके कोई रिएक्शन हमने कैरिड आउट की है किसी सिस्टम के ऊपर. ओके द कंडीशंस आर द कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर. ओके इज दिस क्लियर? नाउ इन दिस प्रोसेस सपोज द सराउंडिंग्स हैज लॉस्ट सम ऑफ द हीट, सराउंडिंग्स ने अपनी कुछ हीट जो है वो लूज कर दी है और सिस्टम ने वही हीट जो है वो गेन कर ली है. ओके व्हेन वी डिड सम रिएक्शन ऑन आवर सिस्टम, सपोज इन दिस प्रोसेस द सराउंडिंग्स दे हैव लिबरेटेड देयर हीट एंड द सिस्टम हैज अब्सॉर्ब्ड दैट इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ हीट. सो वी नो द एंट्रोपी चेंज फॉर द सराउंडिंग्स विल बी माइनस डेल्टा एच बाय टी. ओके यस, हीट लॉस्ट हुई है. So the entropy change will be minus delta H, enthalpy will be negative. Okay, so let's put this value here in equation one. यहाँ पर put करते हैं. What we will get? S total is equal to delta S system minus delta H by T. दोनों तरफ T से multiply कर देंगे अब हम. Okay. We will be multiplying both sides with the T. Delta S system को अगर मैं simply delta S रख देते हैं, ठीक है? So here it will be T delta S total is equal to T delta S minus delta H. यही बनेगा बेटा जब आप दोनों साइड जो है वो T से मल्टीप्लाई कर दोगे. ओके नाउ लेट्स एडजस्ट दिस माइनस साइन हियर. It will be delta H minus T delta S. So यही बनेगा जब हम माइनस साइन को एडजस्ट कर देंगे.
Now, according to Gibbs-Helmholtz equation, according to Gibbs-Helmholtz equation, delta G is equal to delta H minus T delta S. तो ये जो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस है, क्या मैं इसको डेल्टा जी लिख सकती हूँ? ओके, नाउ फ्रॉम दिस व्हाट वी आर सेइंग, टेम्परेचर वो तो कांस्टेंट है ऑलरेडी, चेंज ही नहीं हो रहा है, दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव. डेल्टा एस टोटल, ये चीज भी हम ऑलरेडी कह चुके हैं कि जो एंथैल्पी है, एंट्रोपी चेंज है किसी भी सिस्टम का, सिस्टम और सराउंडिंग का, दोनों का जीरो से ज्यादा होगा, इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव क्वांटिटी. तो फिर ना टी नेगेटिव है ना डेल्टा एस नेगेटिव है, तो दैट मींस नेगेटिव कौन है फिर? डेल्टा जी, बिकॉज दिस फैक्टर इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड द माइनस साइन विल बी एडजस्टेड हियर, ओके, विद द डेल्टा जी. So from here, what we concluded, कि कोई reaction कब spontaneous होगी, अगर उसका Gibbs free energy change जो है वो क्या होगा? Negative होगा. Okay? So for any of the reaction to be feasible, to be spontaneous, its Gibbs free energy change should be negative. Okay? अगर delta G negative है तो reaction spontaneous है, अपने आप हो जाएगी. अगर जीरो है तो वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, अगर पॉजिटिव है तो जो रिएक्शन है वो आपकी नॉन स्पॉन्टेनियस. ओके, सो दिस इज एक्चुअली द इंफॉर्मेशन दैट इज कन्वेड फ्रॉम द गिब्स फ्री एनर्जी. इज दिस क्लियर? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा. Is this clear? Right. अब आपने मुझे बताना है कि किस किस conditions में जो delta G है वो negative हो सकता है या positive हो सकता है, या किस किस conditions में जो आपकी reaction है वो spontaneous है और किस किस condition में non-spontaneous है. Okay? तो एक chart बना लेते हैं सबसे पहले. We will be making a chart in which I'll be including delta H, delta S, temperature or delta G. Okay? So, सबसे पहले अगर ये negative है, ये positive है और T की कोई भी value हो, देखिए, see, हमने कैसे देखना है? Delta H negative है, अगर ये part negative है, डेल्टा एस पॉजिटिव है, दिस थिंग इज पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव अल्टीमेटली नेगेटिव ही बनाएगी. ओके, पॉजिटिव नेगेटिव अल्टीमेटली क्या बनाएगी? नेगेटिव बनाएगी. तो डेल्टा जी पूरा आपका क्या आएगा? नेगेटिव आएगा. ओके, सो इन दिस केस द रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस. उसके बाद अब आपने मुझे बताना है फॉर द सेकेंड थिंग, डेल्टा एच पॉजिटिव है, डेल्टा एस नेगेटिव है और टेम्परेचर का कोई भी साइन हो, कि टेम्परेचर कैन बी एनी पॉजिटिव वैल्यू. चलिए बताओ, इज द रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस? डेल्टा जी नेगेटिव आएगा कि नेगेटिव? पॉजिटिव. डेल्टा एच पॉजिटिव है, डेल्टा एस नेगेटिव है, डेल्टा एच डेल्टा जी विल बी पॉजिटिव, तो रिएक्शन हो जाएगी नॉन स्पॉन्टेनियस. देख सकते हो ना आप, ये चीज पॉजिटिव है, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये सारी चीज जो है वो प्लस में चेंज हो जाएगी. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट, अगर ये दोनों नेगेटिव है और टेम्परेचर जो है वो कम है, there is low value of temperature. Now in this case, अब temperature low है, that means now we will be seeing कि कौन सा factor ज्यादा dominate करेगा, ये वाला कि ये वाला.
डेल्टा एच ज्यादा डोमिनेट करेगा या टी डेल्टा एच ज्यादा डोमिनेट करेगा? टेम्परेचर की वैल्यू थोड़ी कम है अभी. यस, सो इट विल बी नेगेटिव. वेरी गुड. नेगेटिव कैसे? डेल्टा एच माइनस, ठीक है, टी डेल्टा एस माइनस माइनस प्लस में चला गया, बट टी की वैल्यू अभी कम है, तो यानी कि ये वाला फैक्टर जो है वो ज्यादा है इस पॉइंट पे, विच इज नेगेटिव ऑब्वियसली. ओके, तो फिर ये डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आ गई है. नेक्स्ट माइनस माइनस बट हाई वैल्यू. अब रिवर्स कर दो, पहले में नेगेटिव आई थी तो अब क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि अब टी डेल्टा एस ज्यादा है. अब दोनों की पॉजिटिव पॉजिटिव, बट टेम्परेचर लो है. डेल्टा एच पॉजिटिव है, टी डेल्टा एस नेगेटिव है, बट टेम्परेचर लो है. यस, क्लियरली पता चल रहा है टी डेल्टा एस वाला फैक्टर जो है वो ज्यादा होगा. नो, टी इज लेस, टी लेस है तो टी डेल्टा एस कम हो जाएगा, तो डेल्टा एच जो है वो ज्यादा डोमिनेट करेगा. ठीक है, तो डेल्टा एच ज्यादा है तो डेट मीन्स द वैल्यू विल बी पॉजिटिव हियर. वेरी गुड. ठीक है, तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी. नाउ द लास्ट केस, पॉजिटिव पॉजिटिव प्लस हाई. अब उल्टा कर दो, यहाँ पे पॉजिटिव आई थी तो यहाँ पे अब नेगेटिव आ जाएगा. ओके, अब आपने ये चीजें याद रखनी है, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि डेल्टा एच और टी डेल्टा एस के चेंज होने से कैसे डेल्टा जी जो है वो चेंज हो रही है. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ओके, तो डू वन न्यूमेरिकल, राइट डाउन वन न्यूमेरिकल. So you have to calculate the free energy for the system. चलिए बेटा, कैलकुलेट करो और आंसर बताओ. कैलकुलेट इट एंड गिव मी द आंसर. यू हैव टू कैलकुलेट द फ्री एनर्जी ऑफ द सिस्टम. यू आर गिवन विद डेल्टा एच एंड टी डेल्टा एस, तीनों चीजें दी हुई हैं. You have to convert delta H into joules बेटा, क्योंकि एंट्रोपी हमने joules में लेनी है. ठीक है, तो एंथैल्पी को भी joules में convert कर लो. So you multiply that with 1000 in order to convert it into joules. We're using the Gibbs free energy or Gibbs Helmholtz equation. Okay, so you will be getting the value of delta G 1300.8. Okay, that is in the joules, right? So ये आपको इतने joules देगी. Free energy है, energy है तो joules में आ जाएगा इसकी units. Okay.